सबसे पहले इस सफर में आना एक बड़ा शानदार पड़ाव आया वो ये कि मैं आज तक पटना आया नहीं था। पटना और बिहार के बारे में मैंने मेरे सीनियर शत्रुघ्न सिन्हा जी से सुना, और बम्बई के अंदर अगर मैंने बिहार देखा, बिहार का खाना खाया, बिहार की कल्चर को देखा, बिहार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को देखा, वो शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर पर देखा। और पहली बार मैं पटना आया, इतने वर्षों से कई बार प्रोग्राम बने, कई बार ऐसे मौके हुए, लेकिन किसी ना किसी वजह से पटना आना ना हो सका। कितना बढ़िया सौभाग्य है कि पटना पहुँचे, एयरपोर्ट से यहाँ लिटरली आए और शत्रुघ्न सिन्हा जी से ही मुलाकात हो गई। जब मैं उन्हें यहाँ से जाने के बाद फ़ोन करके अपना बिहार आने का तजुर्बा एक्सपीरियंस बताने वाला, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जिनके शब्दों से, जिनके मुंह से बिहार के बारे में, पटना के बारे में सुना था, जिनके घर में मैंने बिहार के खाने खाए थे, जिनके घर में मैंने बिहार के कल्चर को एक्सपीरियंस किया था, उनसे मेरी पहले दिन यहाँ पहुँचते ही बिना प्लान किए हुए थे। मैं पटना के अपने फैंस को कहना चाहता हूँ कि मेरा जो ये सफ़र है इतनी सारी फिल्मों का, 400 फिल्में देश में और करीब 21 या 22 फिल्में विदेशों में, ये तभी पॉसिबल हो सका क्योंकि आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपका वैलिडेशन और आपका आशीर्वाद मुझे मिला इतने वर्षों से, 30 वर्षों से, और आज भी मिल रहा है। मैंने हायर सेकेंडरी में फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन इन 6 सब्जेक्ट्स आया, स्वच्छता कॉलेज अकाउंट्स में पढ़ाई की, जहाँ पे 91% से नीचे एडमिशन नहीं मिलता, एम कॉम की पढ़ाई की वहाँ पर। कला से मेरा प्रेम था, संबंध था, आर्ट से, एक्टिंग से, सो मच के साथ साथ करता। जब मेरे पास पढ़ाई का आधार हो गया, दिस इज समथिंग आई हैव एज अ स्ट्रेंथ, कि कल को अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं पढ़ाई की वजह से वो मेरी ज़िंदगी जो है वो बन सकती है। जब मेरी पढ़ाई कम्प्लीट हुई तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपकी इच्छा बेशक बम्बई जाकर ट्राई कर सकते हैं फिल्मों का। मैंने वहाँ पर जाकर, चूँकि समझदारी से करना चाहता था हर चीज़ का, मैंने वहाँ जाकर एक्टिंग स्कूल में दाखिला किया। मेरा क्लासमेट था अनिल कपूर, तो हम लोगों ने एक्टिंग सीखी वहाँ। उसके बाद उसी स्कूल में मेरे स्टूडेंट थे संजय दत्त, कुमार गौतम, कीना मुनीम, गोविंदा तक,